दोस्तों मोदी जी की बेहद खासम खास और दुलारी सांसद कंगना रनौत वैसे तो विवादित बयान देती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दे डाला है कि खुद अपने ही सिर पर बड़ी मुसीबत को मोल ले लिया है। हाल ही में उन्होंने तमाम बयान दिए थे, आपने सुने होंगे 2014 के बाद देश आजाद हुआ, उन्होंने बताया कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, उनके ऐसे अंटचंट वाले बयान एक दो नहीं कई हैं। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी के लिए एक बड़ी अशोभनीय टिप्पणी भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो संसद के अंदर कोई नशा करके आते हैं, जिस पर लोगों ने कहा था नशा कौन करता है कौन नहीं हर कोई जानता है। याद करिएगा, सीएएफ की एक जवान ने उनके गाल पर जब थप्पड़ रसीद किया था तो कई लोग ये कह रहे थे ये पूरी तरह से गलत हुआ। लेकिन आप सोचिए, जिस किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत पहले भी अभद्र टिप्पणी करती रही है, विवादित टिप्पणी करती रही है, एक बार अपनी वाचाल तेवर को फिर से दिखाया है, एक बार फिर से किसानों के लिए ऐसी बात कह दी है जिसने न केवल उनकी मुसीबत बढ़ाई बल्कि उनके वारे न्यारे हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आज इस खबर को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इस बार कंगना रनौत ने बयान देकर छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, ऐसी मुसीबत जिससे मोदी शाह मिलकर भी उनको नहीं निकाल पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। इस देश, क्या किसी भी देश में कैसे चलता है, देश कैसे चलता है वो समझिएगा। कोई भी देश हो, वहां पर किसान जो अन्न उगाते हैं उनकी प्रमुखता मानी जाती है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, और हमारे देश में तो उन्हें अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन कहते हैं ना, चाटुकारिता अपने चरम पर हो तो कोई आदमी कुछ भी बोल सकता है। हो सकता है कंगना दीदी कुछ और खाती हो, जैसे कि बर्गर पिज्जा बाहर से इनके लिए आता हो, इन्हें किसानों से कोई लेना देना ना हो। एक तो इनका अंटशंट वाला बयान, ज्ञान कोई जानकारी ना होना, जो मुंह में आना वो बक देना, बक दे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, क्योंकि इस देश के किसानों के बारे में इस बार इतनी गंदी और घिनौनी टिप्पणी मोदी जी की लाडली सांसद ने की है, जिसे सुनने के बाद आपका खून भी खौल उठेगा। पहले ये तमाम न्यूज चैनल के तमाम बड़े बड़े पत्रकार, गोदी एंकर जो चरण चाटुकारिता करते हैं मोदी शाह की, वो उन्हें उग्रवादी बताते रहे, क्योंकि तकलीफ हो रही थी शाह बाबू को, मोदी जी को दिक्कत हो रही थी, सिर्फ इसलिए अपने ही देश के अन्नदाताओं के लिए शब्द का इस्तेमाल किया। और अब देखिए, कंगना रनौत ने भी यही कर दिया, क्यों किया वो बताऊंगा आखिर में, क्या इनकी चाह है वो भी बताऊंगा, पहले उनका बयान सुनिए। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी, अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों का, चाइना अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं, और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है, देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए, पर खैर जितने इनकी बुद्धि है उतने ही इनकी करतूते भी हैं। तो सुरेंद्र राजपूत ने लिखा है, किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, लाशें लटकी थी, कंगना रनौत भाजपा सांसद, क्या ये बयान सहने के योग्य है? आप भाजपा वाले सहमत हैं मीडिया के मित्रों, क्या कंगना सही कह रही है? अगर नहीं तो इनकी इसकी मुखालफत क्यों नहीं होती? बिल्कुल सही बात है, कोई सबूत है इनके पास, या भगवान ने बत्तीसी के पीछे जुबान दी है उससे कुछ भी बोल देना? हो सकता है एक महिला होने के नाते आप कहें, क्या महिला, कोई महिला सांसद की बात नहीं है, क्योंकि इस देश के अन्नदाताओं का जिक्र है। 800 जवान हमारे किसान शहीद हो जाते हैं सरकार की जिद की वजह से, और उन्हीं की पार्टी से आने वाली एक सांसद किसानों के लिए कहती रेप हो रहे थे वहां पर जब आंदोलन हो रहा था। कोई सबूत है इनके पास, या इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, क्यों इन्हें जेल में ना ठूस दिया जाए? इस देश के किसानों के बारे में बोलने के अवज में इनको लगता है ऐसे बयानों से क्या होगा? दरअसल क्या है ना, संसद के अंदर जो 2014 और 2019 वाली संसद थी, उसमें एक महिला सांसद थी, या यूं कह जाए अभिनेत्री, स्मृति ईरानी। इनको लगता है कि अब स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, उनकी जगह मुझे मंत्री बना दिया जाए, मंत्री पद की इनको लालसा है, क्योंकि इनका बेड़ा गर्क तो हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है मीडिया उसमें बॉलीवुड में। तो क्या कह रही है, ये फिल्मी लोग हैं जो किसानों के बारे में, और इनके बारे खुद फिल्मी है,
और फिल्मी डायलॉग बोलकर इन्होंने सोचा है बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाएगी। अब तक ये कहती रही 2014 में भारत आजाद हुआ, लोगों ने कहा चलो अंटीशंट बयान है। ये कहती रही कि सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, तब अपनी फजीहत कराई। लेकिन देश के किसानों के बारे में आप गलत बोलेंगी, गंदा बोलेंगी? एक सबूत लाकर दिखा दें, मान जाए कि किसान आंदोलन में रेप हुए थे, सोचिए कितनी गंदी और घिनौनी मानसिकता की है ये। यही नहीं, अब आपको अभी एक और चीज दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे इनके खिलाफ मोर्चा खोला गया है। हिंदुस्तान ने खबर छापी, पंजाबी बन जाता बांग्लादेश, किसान आंदोलन पर कंगना रनौत का विवादित बयान, कांग्रेस भड़की। इनका कहना था, आपको सुनाई दिया कि चीन के शह पर, पाकिस्तान की शह पर, इन सब की शह पर ये सारे आंदोलन होते हैं। मतलब ये जो आंदोलन होते हैं कंगना जी के मुताबिक, ये विदेशी ताकतें कराती हैं, ठीक है? तो जब यूपीए की सरकार के दौरान सिलेंडर वाली मैडम और ये तमाम लोग जो करते थे आंदोलन, ये भी क्या विदेशी ताकतों के आधार पर होता था, वो आयोजित करते थे? क्योंकि इन्होंने आंदोलन पर सवाल उठाया। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के किसानों पर उंगली उठी है, ये नाराजगी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और वो भी छोटा मोटा, अगर कहा जाता कि किसानों को भड़काया गया, बरगलाया गया, तो सोचा भी जा सकता था। आप उन किसानों पर आरोप लगा रही हैं कि उनकी उनके आंदोलन के दौरान रेप होते थे वहां पर, जहां वो धरने पर बैठे थे। सोचिए इनकी मानसिकता क्या, और मोदी और शाह जैसे लोग पता नहीं क्यों झेल रहे हैं। और फिर कहते हैं कि पंजाब में बीजेपी का बेड़ा गर्क कैसे हो गया। फिर मोदी जी कहते हैं कि बता देना अपने मुख्यमंत्री को, मैं तो जिंदा वापस लौट आया हूं। आप अपनी सांसद, वाचाल सांसद, इसकी जुबान पर रोक नहीं लगा पाते और चुनाव जीतना है, शर्म नहीं आती? देश के अन्नदाता को हो सकता है बीजेपी वाले खाते होंगे बर्गर जो अमेरिका से मोदी जी का दोस्त बेचता होगा, लेकिन हम इस देश की सारी आबादी क्या खाती है? अन्न खाती है जो अन्नदाता उगाते हैं। उनके विरोध को आपने कभी उग्रवाद से जोड़ा, कभी आईएसआई से जोड़ा, कभी पाकिस्तान फंडेड से जोड़ा, लेकिन अब कहा जा रहा रेप किए जाते थे और तब भी कोई जवाब नहीं है। इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यकीन मानकर चलिए ये और गंदे और घिनौने बयान देंगी। आगे दिखा रहा हूं खबर, एक और खबर देखिए। एबीपी न्यूज ने छापा, कंकान पकड़कर माफी मांगे कंगना रनौत के बयान पर भड़की कांग्रेस, मांगनी भी चाहिए। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी बस देश में हिंसा फैला रहे, रेप वाला बयान इनका था ही था। इसमें क्या कहा गया है, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि दिल्ली की सीमा पर बैठकर आंदोलन कर रहे किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं, अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में ये तो बीजेपी और केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये सांसद कान पकड़कर माफी मांगे, सबूत ना ला पाए तो माफी मांगनी पड़ी होगी और कंगना रनौत के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। आइए अब इनकी ये मुसीबत अब कैसे बढ़ी है समझिए। दैनिक जागरण ने खबर छापी है, दरअसल हाल ही में एक लगातार कहा जा रहा था कि कंगना रनौत ने अपनी जो अब तक कमाई की थी उससे एक फिल्म बनाई इमरजेंसी, और इमरजेंसी फिल्म क्यों बनाई गई, क्या टारगेट करके बनाई गई है, ये हर कोई जानता है। अब इन्होंने जो फिल्म बनाई है उसको लेकर इनकी हो रही है परेशानी बड़ी। कैसे, रिलीज से पहले कंगना की इमरजेंसी पर विवाद, डीएसजीएमसी ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। इसमें क्या बताया गया, देखिए, सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध तेज होने लगा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसके ट्रेलर के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की। डीएसजीएमसी के महासचिव जगदीप सिंह कावलो ने कहा इमरजेंसी के ट्रेलर में सिखों की छवि खराब की गई है, ये बदनाम करने आई थी गांधी परिवार को, ये बदनाम करने आई थी कांग्रेस को, अपनी खुद की मुसीबत नहीं बढ़ाई बल्कि बीजेपी की मुसीबत बढ़ाई है। यकीन मानकर चलिए अगर कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हरियाणा चुनाव में इसका जवाब इनको जरूर मिलेगा। नमस्कार।